गाजियाबाद में साइबर क्राइम को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने साइबर सेल का उद्घाटन किया। साइबर सेल में साइबर से जुड़ी तमाम अपराधों की तफ्तीश की जाएगी, जिसके लिए एक प्राइवेट कॉलेज की सहायता ली जाएगी। दूसरी ओर गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर सेल की आवश्यकता थी। अब एसपी सिटी के नेतृत्व में इसका काम पूरा किया जाएगा। वहीं ट्रेनिंग के बाद अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी, जिससे अब साइबर सेल के खुल जाने के बाद बढ़ते साइबर अपराधों में कटौती होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत के अंदर मानव संसाधन के रूप में छात्र बहुत बड़ी मात्रा में, योग्य छात्रों का सहयोग लेना चाहिए और ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं या छोटे बड़े कॉलेज हैं, इनके पास अपने संसाधन काफ़ी हैं, उसको भी शासन प्रशासन के कार्यों से जोड़ना चाहिए, तो उससे सरकार को बहुत मदद मिलेगी। और काइट कॉलेज के प्रबंधन ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि यदि कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए या उनको कुछ काम करने के लिए अब उनकी लेबोरेटरियाँ चाहिए या छात्रों का या अध्यापकों का सहयोग चाहिए, तो वो भी प्रशासन के साथ हमेशा उपलब्ध रहेगा। हमारे पास क्योंकि संसाधन की कमी थी, हमारे पास प्रॉपर एक साइबर क्राइम सेल नहीं था, उसमें सिस्टम्स नहीं थे, तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से अपने ज़िले के ये अनुरोध किया था कि उसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर आशीर्वाद करें और सहयोग करें, तो माननीय मंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये हमारा पूरा जो साइबर सेल है उसे मॉडर्नाइज किया है, उसे उन्होंने आधुनिक रूप दिया है और इसमें हम लोग स्पेशलाइज जो हमारा स्टाफ है वो भी पोस्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब जो गति प्रदान होगी साइबर क्राइम्स को खोलने में वो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी, बहुत जल्दी हम साइबर क्राइम्स जो हैं वो खोल सकेंगे। साइबर क्राइम्स खोल सकेंगे।